हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है मायरिस्टिका। मायरिस्टिका का मैं आपको कुछ गोल्डन सिम्टम बताऊँगा, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मायरिस्टिका का पहला सिम्टम है, यह जो है ग्रेट एंटीसेप्टिक दवाई है, इससे बढ़कर और कोई दवाई नहीं है होम्योपैथिक में। यह एक बहुत बड़ा शस्त्र है। जहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर का चाकू और छुई चलता है ऑपरेशन करने के लिए, वहाँ पर इसकी दवाई से ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कोई भी केस हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो। अगर आप मायरिस्टिका सही टाइम से और सही पोटेंसी में कर लेते हैं तो आपको जो है ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। इसका सबसे बड़ा गोल्डन सिम्टम तो यही है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि इन्फेक्शन आफ्टर एनी इंजरी। मान लीजिए किसी को इंजरी हुई है, घाव हो गया है और उसके बाद भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने की मायरिस्टिका एक नंबर की दवाई है। हिपरसल्फ और साइलिसिया से भी बढ़कर मायरिस्टिका दवाई है। इसलिए अगर आफ्टर इंजरी के बाद में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो मायरिस्टिका को लेना है मदर टिंचर में। मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका जो है इन्फेक्शन जो हो गया है आफ्टर इंजरी, ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम है जो नेल बेड होता है हमारा, नेल बेड, इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है और अंगुलियां फूल जाती हैं, जिसको आप पेनाइटियम भी बोल सकते हैं, अंगुल बेढ़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेल बेड में इन्फेक्शन हो गया और अंगुली फूल गई, इसके लिए आपको मायरिस्टिका मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लीजिए, आपका जो है ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर बोलेंगे कि काटना पड़ेगा तो उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेल बेड की इन्फेक्शन की जो है बहुत ही एक अच्छी दवाई है। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि पेन एंड स्वेलिंग ऑफ मिडिल ईयर। अगर किसी को मिडिल ईयर में अंदर के जो मिडिल ईयर होता है उसमें पेन और स्वेलिंग हो गया है और उसके बाद से ऑटुरिया हो गया, उसके बाद से कान बनना चालू हो गया है, तो इसके लिए आप जो है मायरिस्टिका मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, कम से कम 1 महीना आराम हो जाएगा तब भी इसको देते रहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऑटुरिया इस तरह का ठीक हो जाएगा। अगर ऑटुरिया होने के पहले अगर मिडिल ईयर में पेन एंड स्वेलिंग है तो ये दवाई रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों, उसका एक अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि हैंड्स फील वेरी स्टिफ, हाथ जो है स्टिफ मालूम पड़ता है। अब कारण कोई भी हो, अगर आपको शिकायत है कि हमारा हाथ बड़ा स्टिफ रहता है, ऐसे ऐसे करने से तब आराम मिलता है, तो स्टिफ कोई भी कारण हो आप मायरिस्टिका लीजिए। मायरिस्टिका 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी के साथ में लीजिए लगातार, हाथ आपका स्टिफ हो गया है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है, यह फिस्टुला की एक रामबाण दवाई है। फिस्टुला अगर किसी के भी हुआ है तो और सब दवाई के साथ में अगर मायरिस्टिका लीजिए, या तो सिर्फ अकेला मायरिस्टिका लीजिए, तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मायरिस्टिका मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना लीजिए, आपका फिस्टुला धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, लेकिन दवाई नहीं छोड़ना है। आपको ऑपरेशन कराने की जीवन में कभी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मायरिस्टिका जो है आपको हम पहले बता दिए हैं, यह जो है चाकू छुरी को उसे दूर कर देती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि पेरोटाइटिस, जो यहाँ पर मम्स होता है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटाइटिस जिसको बोलते हैं, अगर उसमें सूजन आ गई है तो आपको और दवाई देने की जरूरत नहीं है। आप मायरिस्टिका मदर टिंचर, याद रखिए पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ दी जो ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, उसको मम्स भी बोलते हैं, अगर इसमें सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, लाल हो गया है, फूल गया है, तो आप मायरिस्टिका मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार, मदर टिंचर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो आप जो है इसको 2-2 घंटा पढ़ सकते हैं, तो आपको तुरंत आराम हो जाएगा, उसके बाद में सुबह शाम कुछ दिन ले लीजिए, जिससे फर्दर दोबारा आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर किसी को स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गई है और बोन्स में सूजन आ गई है, तो उसकी भी यह एक बहुत बढ़िया दवाई है। मायरिस्टिका मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए 1 महीना। याद रखिए इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, स्किन में सूजन आ गई है, स्किन फूल गया है, चाहे जो भी हो, और इसके बाद में बोन्स में भी सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन एंड बोन्स में ये एक रामबाण की तरह काम करती है। मायरिस्टिका मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपकी प्रॉब्लम साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मायरिस्टिका का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।